नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार दिवस के बारे में। नीतीश सरकार ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर बिहार दिवस मनाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस आयोजन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोरोना के पहले यह कार्यक्रम पिछले कई सालों से मनाया जाता रहा, ऐसे में इस बार फिर से शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी है। बिहार दिवस की तैयारी को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पहले जिस तरीके से बिहार दिवस मनाया जाता रहा है, इस बार भी 22 मार्च को बड़े स्तर पर बिहार दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण सांकेतिक रूप से बिहार दिवस मनाया जाता रहा था, लेकिन इस बार कोरोना नियंत्रण में है, इसलिए पुराने उत्साह के साथ शानदार ढंग से बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सहमति मिल गई है। 22 मार्च को सभी बिहारवासियों के लिए गर्व का दिवस है। इस दिन बिहार का जन्म हुआ था। देश दुनिया में रहने वाले बिहार के लोग इस दिवस के आयोजन में शामिल होंगे। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने देश भर के लोगों से अपील किया है कि जहाँ भी बिहार के लोग रह रहे हैं, वह अपने अपने स्तर पर बिहार दिवस को मनाएंगे। अंग्रेजों ने साल 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था। इसके आधार पर नीतीश सरकार ने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि साल 2010 में पहली बार पटना में गांधी मैदान में भव्य बिहार दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके बाद साल 2012 में बिहार के स्थापना के 100 साल पूरे होने के बाद एक बार फिर से जो है बिहार दिवस का खास तरीके से जो है बिहार दिवस मनाया गया। इसके बाद साल 2020 में मानो कि पूरी दुनिया जो है रुक सी गई थी कोरोना महामारी के कारण, इस दौरान भी बिहार दिवस नहीं मनाया गया और एक सांकेतिक रूप से जो है बिहार दिवस को मनाया जा रहा था। लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है, तो एक बार फिर से बिहार दिवस मनाने की बात बिहार सरकार की तरफ से कह दी गई है। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं बिहार के गौरवशाली अतीत के बारे में। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि आखिर इस राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। बता दें कि बिहार नाम बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुआ, जिसे विहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। इस क्षेत्र को गंगा नदी तथा इसके सहायक नदियों के कारण जो है उपजाऊ मैदानी भाग के रूप में भी जाना जाता है। बिहार शब्द संस्कृत और शब्द यानी कि पाली दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। विहार का मतलब होता है मठ। बिहार बौद्धिक संस्कृत का जन्म स्थान है, जिस वजह से इस राज्य का नाम पहले विहार और बाद में बिहार बना। बिहार को पहले मगध नाम से भी जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से ही थे। हिंदू पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म भी बिहार में हुआ। इसी राज्य में भगवान राम और माता सीता का पहली बार मिलन हुआ था। बिहार से ही बुद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। इसी राज्य में भगवान बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ था। बिहार में ही दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के बाद इस खूबसूरत स्थान के साथ तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाया गया। इस स्थान के खंडहर हो जाने के बाद साल 2016 में इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जो कि सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है, वह लगता है। बिहार के सोनपुर इलाके में यह मेला हर साल नवंबर और दिसंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान जो है लगाया जाता है। इस राज्य में भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाने वाला मुंडेश्वरी मंदिर मौजूद है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। यौन संबंधों पर लिखी गई सबसे मशहूर किताब कामसूत्र को लिखने वाले लेखक बात्सायन भी बिहार से ही हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के हरमंदिर तख्त यानी कि पटना साहिब में हुआ था। बिहार के वैशाली जिले को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। इसी जगह पर भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था। भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि विक्रमादित्य और अशोक भी बिहार से ही हैं। बिहार के गौरवशाली अतीत को लेकर अब बिहार सरकार जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाती है, ताकि हम अपने अतीत को जान सके, समझ सके कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।